हेलो दोस्तों, इस गर्मी में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कच्चे चावल और कद्दू से बनने वाले बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आसान से नाश्ता की रेसिपी। इस नाश्ता को एक बार आप जरूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए निवेदन है फ्रेंड आप सबसे, वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कच्चे चावल का नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधे कप कच्चे चावल को रात भर पानी में भिगो के छोड़ दिए थे। तो देख सकते हो चावल हमारा अच्छे से फूल चुका है। हम जो रेगुलर चावल का इस्तेमाल करते हैं उसी चावल से नाश्ता बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हो। चावल को हमने पानी से अलग कर लिए। अब एक मिक्सी के जार में हम सारे चावल को डाल देंगे। इसमें हम आधा कप के करीब पानी डालेंगे। अब इस चावल को हम फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए चावल को हमने फाइन पीस लिए हैं। अब एक बॉल में हम इसको निकाल लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो चावल को हमने कितना फाइन पीसे हैं, ये देखिए। इसी तरह से आपको चावल को पीस लेना है। तो चलिए अब हम इसको साइड कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कटे हुए हमने कद्दू ले लिए हैं, इसका हम कद्दूकस करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसका छिलका को छील के अलग कर लेते हैं, ताकि हमको कद्दूकस करने में आसानी हो। तो इस तरह से आप चावल और कद्दू का नाश्ता बना के खाइएगा तो ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ साथ शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। खास करके गर्मी में ये शरीर को बहुत ही ठंडक पहुंचाता है। तो ये देखिए इस तरह से हम छिलका को छील लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर छीलने वाला जो एक चाकू होता है उससे आप बहुत आसानी से छिलके को छील के अलग कर सकते हो। तो इसी तरह से हम सारे कद्दू को छिलका को छील के अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे छिलके को छील लिए, देख सकते हो। अब हम जो कद्दू का ऊपर का नरम वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से काट के अलग कर लेंगे, ये देखिए। और इस भाग को हम कद्दूकस करेंगे। तो इस तरह से सारे कद्दू को हम काट के कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे कद्दू को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं, और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था उस पानी को हमने निचोड़ के कद्दू से हटा दिए हैं। अब हम कद्दू को चावल का जो बैटर या फिर पेस्ट है उसमें डाल देंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे आधे कप के करीब कटे हुए हरे धनिया। नाश्ते में हरे धनिया का टेस्ट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसमें मिलाएंगे आधे चम्मच चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक में हमने 2 पिंच के करीब बेकिंग सोडा मिला दिए थे, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा डालने से नाश्ता हल्का कुरकुरा बन के तैयार होता है। अब हम इन सारे चीज़ को अच्छे से चावल के बैटर के साथ मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे चीज़ को अच्छे से मिला लिए हैं। नाश्ता को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। तो 2 चम्मच तेल में हमने 1 चम्मच के करीब राई और 3 हरी मिर्च को काट के डाल दिए थे। इन सारे चीज़ को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये लीजिए नाश्ता का बैटर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम नाश्ता बनाने के लिए गैस में एक कढ़ाई को गर्म कर लिए। उसमें हम 1 चम्मच भर के तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए जो बैटर को हमने बनाया था उसमें से हम आधा कप के करीब बैटर को डाल देंगे, और इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं कि एक साइड हमारा नाश्ता कैसा सेका है। तो देख सकते हो कितना खूबसूरत सा एक कलर आया है, वाव। अब हम दूसरे साइड भी लो फ्लेम में ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग 2 मिनट हो चुका है। अब हम 1/4 चम्मच के करीब तेल डालेंगे, और तेल के साथ हम मीडियम फ्लेम में नाश्ते को उलट पुलट कर लेंगे, ताकि नाश्ता जो है हमारा क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो ये देखिए लगभग 1 मिनट हमने नाश्ते को उलट पुलट के चला लिए हैं, तो हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरह से दूसरे नाश्ते को भी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए दूसरा नाश्ता भी हमारा बन चुका है। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये लीजिए आप इसे दही चटनी या फिर टमाटर केचप के भी साथ खा सकते हो। हम तो ऐसे ही खाते, ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो ये लीजिए गर्मा गर्म कच्चे चावल का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए हम आप लोग को एक तोड़ के दिखाते हैं कि अंदर से कितना सुंदर हमारा नाश्ता बना है, ये देखिए वाओ। तो ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ हमको कमेंट पे बताना ना भूले। फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।